आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। करहल से काशी तक भाजपा ही भाजपा, लोग समझ गए हैं कि परिवारवाद और विकासवाद में क्या है फर्क। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा माफिया व गुंडा सरकार के नाम से चर्चित थी पूर्व की सपा सरकार, कई नई योजनाओं से विश्व फलक पर चमकाएंगे गोरखपुर को। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील अति संवेदनशील सहित सभी बूथों पर एसएसबी जवानों की जाएगी तैनाती, जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। प्रदेश के सभी जनपदों में शासन ने रात्रि कर्फ्यू को पूरी तरह से किया समाप्त, अब कोई भी व्यक्ति कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं भी आ और जा सकेगा 24 घंटे, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने दी जानकारी। नाबालिग के अपहरण के आरोप में शाहपुर थाने के पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार, नाबालिग अपहर्ता को भी आरोपित के पास से किया बरामद। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद के अलग अलग विधानसभा में तैनात प्रेक्षकों व अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक, ईवीएम के डिप्लॉय रेंडमाइजेशन सहित मतदान के समय पुलिस कर्मियों के तैनाती पर हुई चर्चा। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 292 केंद्रों पर 15,457 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण, फर्स्ट डोज लेने वालों में 6,492 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 8,661 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा वैक्सीनेशन कराने के बाद 100% मतदान करने की ले सौगंध और खुद करें मतदान और अपने परिवार को भी मतदान करने को करें जागरूक। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 321। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज के वुमेन सेल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया गया आयोजन, प्राचार्य ने कहा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कॉलेज की छात्राओं के छिपे टैलेंट को निकाला जा रहा है बाहर।